मतलब पूरे देश में, बिहार ही नहीं, यूपी ही नहीं, पूरे देश में कुशवाहा समाज के प्रतिनिधि को नहीं रखा गया है। इसमें दम साफ साफ लगता है कि कुशवाहा समाज को लोगों को इग्नोर किया गया। तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हमेशा कुशवाहा समाज के लोगों को भागीदारी देने का प्रयास किया है। NDA सरकार ने कुशवाहा समाज को भागीदारी देने नहीं दिया है। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भातला भी देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ जदयू के कद्दावर नेता संतोष कुशवाहा जी मौजूद हैं। सीधे तौर पर सवाल है, पूरे पटना को काले पोस्टरों से पाट दिया गया है, कुशवाहा समाज के द्वारा पोस्टर लगाया गया है, किसी की तस्वीर नहीं है, लेकिन सवाल बड़े तीखे किए गए हैं। सबसे पहले हम तो ये जानना चाहेंगे कि ये पोस्टर किसने लगाया है, जानकारी है आपके पास? देखिए, हमें नहीं जानकारी है कि किसने पोस्टर लगाया है जी। देखिए, पोस्टर में सवाल बहुत तीखे किए गए हैं। नीतीश सरकार, भाजपा पर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। कुशवाहा समाज को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं दी गई। इसके बाद वार्निंग दिया गया है कि 2022 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसमें 17% की क्या जो हकीकत है इसको हम दिखा देंगे। देखिए, आप केंद्रीय मंत्रिमंडल को देखेंगे जी और उसको अध्ययन करेंगे जी, तो उसमें साफ दिखेगा कि पूरे देश, मतलब पूरे देश में, बिहार ही नहीं, यूपी ही नहीं, पूरे देश में कुशवाहा समाज के प्रतिनिधि को नहीं रखा गया है जी। और हमारी आबादी जो कुशवाहा समाज का है वो 12% 15% कहीं 13% कहीं 10% इस तरह का पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आबादी है जी। तो हम लोग का विस्तार को, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार को समझेंगे जी, तो उसमें दम साफ साफ लगता है कि कुशवाहा समाज को लोगों को इग्नोर किया गया है। और जहाँ तक बिहार में पोस्टर का सवाल है, पटना में पोस्टर का सवाल है जी, तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हमेशा कुशवाहा समाज के लोगों को भागीदारी देने का प्रयास किया है जी। और उन्होंने मंत्रिमंडल में हो, बिहार सरकार के में मंत्री में भी है, सम्राट चौधरी हैं जी, और भी कुशवाहा जयंत राज हैं, इसलिए बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, तो केंद्रीय भागीदारी हुई है। और यह केंद्रीय भागीदारी में हम खासकर BJP या NDA सरकार से, NDA सरकार ने कुशवाहा समाज को भागीदारी देने नहीं दिया है, तो केंद्र के मामले, हाँ केंद्र का मामला है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसको रखना है नहीं रखना है वो लोग तय करते हैं। और बिहार में जो आरोप लगाया गया है पोस्टर लगाकर, वह नीतीश कुमार जी को जो लिखा गया है उससे हम डिफर करते हैं। नीतीश कुमार ने हमेशा कुशवाहा समाज को भागीदारी देने का काम किया है। मतलब नीतीश कुमार जी ने दिया है, भाजपा ने नहीं दिया है? हाँ, भाजपा ने आज जो केंद्र में विस्तार किया है उस केंद्र में जो विस्तार है उसमें नहीं देने का काम किया है। जैसे आप भाजपा के पे एक संगीन आरोप लगा रहे हैं कि कुशवाहा समाज को लेकर के हमेशा अनदेखी की है भाजपा ने, ये तमाम चीज़ें आप कह रहे, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में कुशवाहा इसको लेकर के क्या करें? देखिए, कुशवाहा समाज हमेशा से राजनीतिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो जी, हमेशा जागरूक रहा है। और यह कुशवाहा समाज, चाहे आप हमारे समाज के पूर्वजों को ले लें, चाहे ज्योतिराव फूले के ले लें, चाहे सावित्री बाई फूले के जो प्रथम शिक्षिका देश की थी उसको ले लें, चाहे बिहार में जगदेव बाबू के ले लें, तो हमेशा इन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया है न्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, और न्याय के साथ जनता के साथ काम करने का काम किया है जी। तो कुशवाहा समाज हमेशा इतिहास रहा है कुशवाहा समाज का, और कुशवाहा समाज आज भी उस इतिहास को दोहराते रहा है। आप जानते हैं कि नीतीश सरकार में रह करके फिर कुशवाहा समाज को लेकर के इतना बड़ा विरोध करना, क्या लगता है कि ये हो पाएगा? लेकिन सरकार में रह के कुशवाहा समाज को बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा है, कुशवाहा समाज अपना हक मांग रहा है जी। और विरोध करना, विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं, नीतीश जी के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे जी। कुशवाहा समाज नीतीश कुमार को 4 टर्म मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है जी। आज भी नीतीश कुमार के साथ है कुशवाहा समाज, बिहार के 99% कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ है, और कल भी रहेगा नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार को ही अपना लीडर मानता है कुशवाहा समाज के लोगों,
और नीतीश कुमार को तय करना है कि कुशवाहा समाज की भागीदारी कैसे हो, केंद्र में हो या राज्य में हो। अगर वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।